हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरके एग्जाम क्रैकर। दिस इज विष्णु दत्त शर्मा और मैं एक बार फिर से आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपके लिए जो हमने एसएससी सीएचएसएल 2016 के जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन आंसर की सीरीज स्टार्ट की है उसका पार्ट 4 लेकर आया हूँ। हर पार्ट की तरह हम इस पार्ट में भी 100 क्वेश्चंस कवर करेंगे। ये क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं क्योंकि ये बाकी कई एग्जाम्स में भी कई बार पूछे जा चुके हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे आपको आने वाली हमारी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द ही मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं आज की वीडियो और शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। आज पूछा गया है जो सर्वर साइड होती है कंप्यूटर में, जिसमें जो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती है वो कौन सी लैंग्वेज होती है? आंसर होगा PHP लैंग्वेज। नेक्स्ट, जो वैक्यूम फ्लास्क है उसको किसने इन्वेंट किया, उसकी डिस्कवरी किसने की? आंसर होगा जेम्स डेवार ने। जो मायोपिया है वो आई का एक डिफेक्ट होता है, उसको किस नाम से जाना जाता है? आंसर होगा नियर साइटेडनेस, जिसको हिंदी में निकट दृष्टि दोष भी बोलते हैं। जो फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन है वो कौन है? आंसर होगा डॉक्टर N.E. बारलोग। जो पैंथेरा टिग्रिस है वो किस चीज़ का साइंटिफिक नेम है? आंसर होगा टाइगर का। ग्लास को और किस नाम से जाना जाता है? आंसर होगा सुपर कूल्ड लिक्विड। जो पेंटेन है उसमें कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होते हैं? आंसर होगा 3। पूछा गया है जो द्राविड स्टाइल है टेंपल आर्किटेक्चर का, उसको रिप्रेजेंटेशन के लिए क्या होता है, मतलब क्या चीज़ उसको रिप्रेजेंटेटिव होती है उसमें? आंसर होगा विमान, उसके जो ऊपर है एक विमान का सिंबल बना होता है। खुद जो है किस चीज़ का, कहाँ का फोक डांस है? आंसर होगा जम्मू एंड कश्मीर का। एक इकोनॉमी का न्यूमेरिकल है जिसमें इकोनॉमिक प्रॉफिट दिया गया है किसी भी फर्म का RS 35 करोड़, और जो एक्सप्लिसिट कॉस्ट दी गई है वो 7 करोड़ है और इम्प्लिसिट कॉस्ट दी गई है वो 10 करोड़ है। तो इकोनॉमिक प्रॉफिट कैलकुलेट करना है हमें, तो यहाँ पे हम 35 में से 7 और 10 को, मतलब 17 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 18 बचेगा, तो हमारा आंसर होगा RS 18 करोड़। ये हमारा इकोनॉमिक प्रॉफिट होगा इस केस में। पूछा गया है जो किसी नॉमिनल सप्लाई होती है, जो नॉमिनल मनी सप्लाई होती है उसमें अगर ग्रोथ रेट इंक्रीज होता है तो उसका क्या रिजल्ट रहता है? आंसर होगा इसके इंक्रीज होने से हायर रेट ऑफ इन्फ्लेशन होता है। जो वर्कर्स होते हैं किसी लेदर टैनिंग इंडस्ट्री में, वो बेसिकली उनको कौन सी बीमारी होती, कौन सी डिजीज से वो सफ़र करते हैं? आंसर होगा स्किन डिजीज से। जो स्फेलेराइट है वो किस चीज़ का और या मिनरल होता है? आंसर होगा जिंक का। पूछा गया है कौन सा एक काफ़ी फेमस टेरर ग्रुप है? आंसर होगा जमात उल अरहर। देहरादून कहाँ की कैपिटल है? आंसर होगा उत्तराखंड की। गिर फॉरेस्ट कहाँ पर है? आंसर होगा गुजरात में। बाबर का जन्म किस ईयर में हुआ? आंसर होगा 1483 में। पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन थे? आंसर होगा वॉरेन हेस्टिंग्स। पहली जो इंडियन वुमेन जो मिसिज वर्ल्ड का टाइटल जिन्होंने 2001 में जीता वो कौन थी? आंसर होगा अदिति गोवित्रीकर। अगर किसी बॉडी को, कोई भी बॉडी है जो किसी सरफेस पे स्लाइड करती है, तो जो फोर्स होगा जो कि जो सरफेस और बॉडी के बीच की मोशन से जो फोर्स होगा वो कौन सा फोर्स होगा, उसको क्या बोलते हैं? आंसर होगा फ्रिक्शन या फ्रिक्शनल फोर्स। कोई भी जो स्ट्रीमलाइन फ्लो है उसमें क्या चीज़ कांस्टेंट रहती है हर एक पॉइंट पर? आंसर होगा वेलोसिटी। जो ड्राफ्टिंग कमेटी है वो किस लैंग्वेज में लिखी गई है, उसने अपना जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो कौन सी लैंग्वेज में लिखा? आंसर होगा इंग्लिश एंड हिंदी। जो बीमारू वर्ड है उसमें M की क्या फुल फॉर्म है या फिर क्या फॉर्म है उसकी? आंसर होगा मध्य प्रदेश को ये रिप्रेजेंट करता है। 2016 में ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स जो फॉर्मूला 1 की रेस है उसमें किन्होंने जीती वो रेस? आंसर होगा निको रोजबर्ग, जो एक जर्मन रेस ड्राइवर हैं। जो बुक है गोन विद द वाइंड ये किन्होंने लिखी? आंसर होगा मार्गरेट मिशेल ने। पूछा गया है जो EEPROM इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, उसका कौन सा एग्जाम्पल होता है इस मेमोरी का? आंसर होगा फ्लैश मेमोरी।
जो क्रॉप रोटेशन है इसका आइडिया किन्होंने डेवलप किया? आंसर होगा टर्निप टाउनसेंड ने। जो फेशियल बोन्स होती हैं वो कितने नंबर होती हैं, वो कितनी बोन्स होती हैं? आंसर होगा 14 बोन्स। हेलोफाइट्स प्लांट्स होते हैं जो, वो कहाँ पर ग्रो करते हैं? आंसर होगा साल्ट वाटर में। जो फेलिस कैटस है वो किस चीज़ का साइंटिफिक नेम है? आंसर होगा कैट का। पूछा गया है जो स्पेसक्राफ्ट होते हैं उनमें फ्यूल को जमने से रोकने के लिए क्या यूज होता है? आंसर होगा ग्लाइकोल। जो नेचुरल गैस है उसका मेजर कंपोनेंट क्या होता है? आंसर होगा मीथेन गैस। जो कोलकाता में विक्टोरिया मेमोरियल बनाया गया वो किनके द्वारा बनवाया गया? आंसर होगा जॉर्ज कर्जन के द्वारा। जो लावणी है ये कहाँ का फोक डांस है? आंसर होगा महाराष्ट्र का। एक न्यूमेरिकल है फिर से इकोनॉमी का। पूछा गया है किसी कंट्री का जीडीपी कैलकुलेट करिए, उसमें दिया गया है कंज्यूमर स्पेंडिंग है $400 मिलियन, गवर्नमेंट स्पेंडिंग है $150 मिलियन, इन्वेस्टमेंट है बिजनेस में $80 मिलियन और एक्सपोर्ट हुए हैं $35 मिलियन और इम्पोर्ट्स हैं $40 मिलियन। तो जीडीपी कैलकुलेट करना है तो हम सबको ऐड करेंगे और इम्पोर्ट को माइनस करेंगे इसमें से, तो ये आंसर आएगा हमारा $625 मिलियन। इकोनॉमिक्स एज्यूम करती है कि पीपल्स है, पीपल के पास क्या होता है? आंसर होगा अनलिमिटेड डिजायर्स बट लिमिटेड रिसोर्सेज। जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो किस चीज़ के द्वारा नहीं प्रोड्यूस होती है इनमें से? आंसर होगा ग्लोबल वार्मिंग। जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्शन के बाद में ग्लोबल वार्मिंग होती है, पर कार्बन डाइऑक्साइड ग्लोबल वार्मिंग से प्रोड्यूस नहीं होती है। और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये प्रोड्यूस होती है फॉसिल फ्यूल्स के बर्निंग से, सीमेंट प्रोडक्शन से और डिफॉरेस्टेशन से। जो कार्नोटाइट है वो किस चीज़ का और या मिनरल है? आंसर होगा यूरेनियम का। जो पहला ऐसा कौन सा कंट्री है जिसने पोकमैन गो को बैन किया है? पोकमैन गो एक मोबाइल का गेम है। आंसर होगा ईरान ने। मेलघाट टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? आंसर होगा महाराष्ट्र में। जो सैचुरन है शनि ग्रह है वो सन की तरफ से कौन से नंबर का प्लेनेट है? आंसर होगा 6। शाहजहाँ है जो वो कौन से नंबर के मुगल रूलर थे? आंसर होगा 5th मुगल रूलर। अकबर का जन्म किस ईयर में हुआ? आंसर होगा 1542 में, 1542 में। पहले इंडियन कौन थे जिन्होंने बुकर प्राइज जीता? आंसर होगा अरुंधति रॉय। कौन सी एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है? आंसर होगा वर्क वेक्टर नहीं है, और फोर्स डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी ये वेक्टर क्वांटिटीज हैं। टर्मिनल वेलोसिटी की वैल्यू क्या होती है? आंसर होगा कॉन्स्टेंट वेलोसिटी, ये हमेशा एक कॉन्स्टेंट होती है वैल्यू इसकी। जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से अमेंडमेंट से इंक्लूड किए गए? आंसर होगा 42nd अमेंडमेंट से। कौन से ईयर में सबसे पहली बार 5-year प्लान्स लॉन्च किए गए इंडिया में? आंसर होगा इन 1951। फॉर्मर ऐसे एक बॉडी बिल्डर कौन है जो बाद में एक फिल्म स्टार बने और फिर गवर्नर भी बने? आंसर होगा आर्नोल्ड सचवार्जेनगर। ओके, जो बुक है हाफ गर्लफ्रेंड इसके ऑथर के नाम बताइए? आंसर होगा चेतन भगत। जो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम, उसका मैस्कट क्या है? आंसर होगा पेंगुइन। जो डायनामाइट है उसको किन्होंने इन्वेंट किया? आंसर होगा अल्फ्रेड नोबल ने। ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए यूज होता है? आंसर होगा स्फाइगमोमैनोमीटर। पूछा गया जो नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है सोयल में वो कौन इंड्यूस करता है? आंसर होगा बैक्टीरियाज। सबसे लार्जेस्ट नॉन सेल कौन सी है? आंसर होगा ऑस्ट्रिच एग्स, जो शुतुरमुर्ग के अंडे होते हैं। सबसे लोवेस्ट लेयर एटमॉस्फेयर की कौन सी है? आंसर होगा ट्रोपोस्फियर। ऐसी कौन सी मटेरियल है जो लाइट जनरेट करता है? टू वेल्ड मेटल्स, मेटल्स को जब वेल्डिंग करते हैं तो लाइट कौन सा मटेरियल जनरेट करता है? आंसर होगा एसिटिलीन, ये एक गैस होती है।
और हवा महल किनके द्वारा बनवाया गया? आंसर होगा महाराजा प्रताप सिंह के द्वारा। डांडिया जो एक पॉपुलर डांस फॉर्म है वो कहाँ का डांस है? आंसर होगा गुजरात का। एक न्यूमेरिकल आया इकोनॉमी का, फिर से क्वांटिटी है किसी भी गुड एक्स की, उसकी डिमांड इंक्रीज होती है 2300 से 2700 यूनिट और कोई प्राइस है गुड वाई का, इसके रिस्पेक्ट में वो जो है इंक्रीज होता है RS 45 to RS 55। तो यहाँ पे आर्क क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पूछा गया, तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा 0.8। इनमें से कौन सी एक एजम्पशन है जो परफेक्ट कंपटीशन की एजम्पशन नहीं है? आंसर होगा एवरेज टोटल कॉस्ट कंटिन्यूली डिक्रीज। जो परफेक्ट कंपटीशन है उसमें एवरेज टोटल कॉस्ट डिक्रीज नहीं होती है कंटिन्यूसली। जो एसोसिएशन ऑफ एनिमल्स जिसमें क्या होता है दोनों पार्टनर्स होते हैं जो बेनिफिट होते हैं, इसको क्या बोलते हैं? आंसर होगा म्यूचुअलिज्म। केवलो दाव घान नेशनल पार्क राजस्थान में है ये, इसको पहले किस नाम से जाना जाता था? आंसर होगा भरतपुर बर्ड सेंचुरी। मोनालिसा एक पेंटिंग है वो किस चीज़ पर बनाई गई है? आंसर होगा ऑन वुड। स्टडी ऑफ मून इज कोल्ड, आंसर होगा सेलेनोलॉजी। सबसे लार्जेस्ट और डीपेस्ट ओशियन कौन सा है? आंसर होगा पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर। चाणक्य को और किस नाम से जाना जाता है? आंसर होगा कौटिल्य, और विष्णुगुप्त भी इनका नाम है। जवाहरलाल नेहरू का जन्म किस ईयर में हुआ था? आंसर होगा 1889 में। पूछा गया है जो 2020 के समर ओलंपिक्स होंगे उसकी वेन्यू कहाँ पर है? आंसर होगा टोक्यो में, और अभी ये करंट में जो पोस्टपोन कर दिए गए हैं 2021 के लिए ड्यू टू COVID-19। जो रेडियो कार्बन डेटिंग की टेक्निक है वो किसके लिए यूज होती है? आंसर होता है टू एस्टिमेट एज ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। स्ट्रेन है जो किसी भी बॉडी में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेस के, जो स्ट्रेस अप्लाइड किया जाता है, तो ये इस लॉ को क्या बोलते हैं? आंसर होगा हुक्स लॉ। कौन सा आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन का जिसके अकॉर्डिंग जो प्रेजिडेंट्स रूल है स्टेट्स में इम्पोज किया जाता है? आंसर होगा आर्टिकल 356। किनको प्लानिंग कमीशन के चेयरमैन भी जाना जाता है? आंसर होगा प्राइम मिनिस्टर, जो PM होते हैं वो प्लानिंग कमीशन के चेयरमैन होते हैं। पहली वुमेन जो इंडिया की चेस ग्रैंड मास्टर बनी? आंसर होगा SVJ। जो बुक है रोमियो और जूलियट इसके ऑथर कौन है, किन्होंने लिखी है बुक? आंसर होगा विलियम शेक्सपियर ने। डाटा होता है जो कंप्यूटर में एक एप्लीकेशन से दूसरी एप्लीकेशन में जो ट्रांसफ़र होता है उसको क्या बोलते हैं? आंसर होगा डायनामिक डाटा एक्सचेंज। जो जनरल एनेस्थेटिक होता है उसको किन्होंने इन्वेंट किया या डिस्कवर किया? आंसर होगा हनाओका सिसु। जो निमोनिया होती है डिजीज होती है वो कौन सी ऑर्गन को अफेक्ट करती है? आंसर होगा लंग्स को, फेफड़ों को। मेंडल को किस नाम से जाना जाता है? आंसर होगा फादर ऑफ जेनेटिक्स, मेंडल जो है फादर ऑफ जेनेटिक्स हैं। किनको सुसाइडल बैग ऑफ सेल्स भी बोलते हैं? आंसर होगा लाइसोसोम्स को। एटमॉस्फेयर की कौन सी लेयर है जिसमें ओजोन लेयर प्रेजेंट है? आंसर होगा स्ट्रेटोस्फीयर। ऐसा कौन सा फाइबर है जो बुलेट प्रूफ वेस्ट या जैकेट्स बनाने के काम आता है? आंसर होगा केवलार फाइबर। इंडिया गेट किनके द्वारा डिजाइन किया गया? आंसर होगा सर एडविन लुटियंस। इंडिया का जो नेशनल फ्लावर है वो कौन सा है? आंसर होगा लोटस फ्लावर। न्यूमेरिकल है इकोनॉमी का, एवरेज टोटल कॉस्ट दी गई है RS 54 और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट दी गई है RS 36 और क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड है वो है 2500 यूनिट्स। तो पूछा गया है टोटल फिक्स कॉस्ट ऑफ द फर्म, आंसर होगा यहाँ पे हमारा 45,000। अनएम्प्लॉयमेंट जो अराइज होती है कब? जब किसी बिजनेस एक्टिविटी में डाउन टर्न आता है उसमें, तो कौन सी एम्प्लॉयमेंट बोलते हैं इसको? आंसर होगा साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। मेसोथेलियोमा ये एक टाइप का कैंसर है, पूछा गया है ये कॉमनली किस चीज़ की लाइनिंग को इफेक्ट करता है?
आंसर होगा लंग्स की लाइनिंग को। जो मैंगनाइट एक तरह का ओर या मिनरल है वो किस चीज़ का ओर या मिनरल है? आंसर होगा मैंगनीज का। जो इंटरनेशनल योगा डे है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है? आंसर होगा 21 जून को। जो सीरियस है वो एक ब्राइटेस्ट स्टार है सोलर सिस्टम के बाहर होता है, इसको किस नाम से और जाना जाता है? आंसर होगा डॉग स्टार के नाम से। साइज की टर्म्स में जुपिटर की कितनी रैंक है सोलर सिस्टम में? आंसर होगा 1, सबसे बड़ा ग्रह है ये। जो सी रूट है इंडिया के लिए, जो समुद्री रास्ता है, उसकी खोज किन्होंने की? आंसर होगा वास्को डी गामा ने, जो एक पुर्तगाल के व्यक्ति थे। सुभाष चंद्र बोस का जन्म किस ईयर में हुआ? आंसर होगा 1897 में। इनमें से किनको भारत रत्न अवार्ड नहीं मिला है, नोट पूछा गया है? आंसर होगा मेजर ध्यानचंद को। और सचिन तेंदुलकर, लता मंगेशकर और सत्यजीत रे को ये अवार्ड मिल चुका है। इनमें से एक वेक्टर क्वांटिटी कौन सी है? आंसर होगा एंगुलर मोमेंटम, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी में डायरेक्शन और डिस्टेंस दोनों होती हैं। डेंसिटी ऑफ वाटर है जो, कौन से टेम्परेचर पर, किस टेम्परेचर पर वो मैक्सिमम होती है? आंसर होगा 4 डिग्री सेल्सियस पर। जो मेंबर ऑफ राज्यसभा होते हैं उनको कौन इलेक्ट करता है? आंसर होगा इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। जो MLA होता है वर्ड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, उसकी फुल फॉर्म क्या होती है? आंसर होगा मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। जो 2016 के ओलंपिक्स हुए, रियो ओलंपिक्स, उनमें इंडिया की रैंकिंग क्या थी मेडल की लिस्ट में? आंसर होगा 67। पूछा गया जो बुक है सीक्रेट्स ऑफ नागा बुक, इसके ऑथर कौन है? आंसर होगा अमीश त्रिपाठी जी, इन्होंने ये बुक लिखी। तो यहाँ पे हमारे आज के 100 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। ये हमारा पार्ट 4 था इस वीडियो से, सीरीज से रिलेटेड। आशा करता हूँ ये क्वेश्चंस आपके लिए काफ़ी यूजफुल होंगे और ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फॉर मोर वीडियोज प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।